मां हम एक ही बार जीते हैं, एक बार मरते हैं, शादी भी एक ही बार होती है और प्यार भी एक ही बार होता है। हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं और शादी भी एक ही बार होती है और प्यार भी एक ही बार होता है। बॉलीवुड इंडस्ट्री की ब्लॉकबस्टर फिल्म कुछ कुछ होता है रोमांस से भरी बेहद इंटरेस्टिंग लव केमिस्ट्री पर आधारित थी, जिसमें एक दोस्त को अपने ही दोस्त से प्यार हो जाता है और उस दौरान इस फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है जो अपनी खासियत को प्रेजेंट करते हुए नजर आई। साथ ही इस फिल्म ने कमाई के मामले में भी बॉक्स ऑफिस पर सभी पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। खबरों के मुताबिक फिल्म की इसी खासियत को देखते हुए फिल्म डायरेक्टर जल्द ही इस फिल्म के सेकेंड पार्ट के साथ बड़े पर्दे पर नजर आने वाले हैं। जी हाँ, हमें जल्द ही कुछ कुछ होता है पार्ट 2 देखने को मिलने वाली है। इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको फिल्म कुछ कुछ होता है 2 के बारे में ही कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताने वाले हैं। कौन होंगे उसमें स्टार कास्ट, क्या होगी उसकी कहानी और फिल्म कब तक आएगी। तो डियर सब्सक्राइबर्स, चलिए जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो में फिल्म के सेकेंड पार्ट के बारे में। साल 1998 में बड़े पर्दे पर प्रसारित हुई फिल्म कुछ कुछ होता है एक रोमांस म्यूजिकल फिल्म थी, जिसे करण जौहर के डायरेक्शन में बनाया गया था, जिसमें शाहरुख खान, काजोल, रानी मुखर्जी, सलमान खान, अनुपम खेर और फरीदा जलाल जैसे कई बेहतरीन कलाकार अपने अभिनय से फिल्म में चार चांद लगाते हुए नजर आए थे, जिन्होंने इस फिल्म को अपनी अदायगी से बहुत ही खूबसूरत बना दिया था। ये फिल्म ऐसे दोस्तों पर आधारित है जो कॉलेज के फ्रेंड्स होते हैं और इस दौरान उनको एक दूसरे से प्यार हो जाता है, पर काजोल यानी अंजलि शाहरुख खान यानी राहुल से ये बात छिपाती है क्योंकि शाहरुख खान पहले से रानी मुखर्जी यानी कि टीना से प्यार करते हैं और इस दौरान दोनों की शादी भी हो जाती है, पर बाद में रानी मुखर्जी की डेथ हो जाती है और उनकी बेटी अंजलि शाहरुख खान और काजोल की अधूरी लव स्टोरी को पूरा करने का काम करती है। तब शुरू होती है राहुल और अंजलि की प्रेम कहानी, जिसे बेहद पसंद किया गया था, जिसके चलते इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की थी, जिसके बाद से ही दर्शकों के बीच इस फिल्म के सेकेंड पार्ट की जबरदस्त डिमांड देखने को मिल रही थी। तो चलिए, आपका ये इंतजार अब खत्म होता है। जी हाँ, खबरों के मुताबिक फिल्म डायरेक्टर करण जौहर जल्द ही फिल्म कुछ कुछ होता है 2 के साथ बड़े पर्दे पर नजर आने वाले हैं। बताया जा रहा है कि फिल्म की कहानी पर काम शुरू हो चुका है और ये फिल्म पहले से भी काफी ज्यादा रोमांचक होने वाली है, जिसमें हमें कई तरह के सस्पेंसफुल सीन्स तो देखने को मिलेंगे ही, साथ ही फिल्म में कई तरह की एक्स्ट्रा एडिटिंग के साथ ट्विस्ट एंड टर्न्स भी ऐड किए जाएंगे जो आपको फिल्म देखने के लिए मजबूर कर देंगे। वहीं अगर बात करें फिल्म की स्टार कास्ट की, तो एक बार फिर फिल्म में आपको काजोल और शाहरुख खान की जोड़ी देखने को मिलेगी, जिनकी लव केमिस्ट्री एक बार फिर हर किसी के लिए यादगार पल साबित करेगी, क्योंकि शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर हिट जोड़ी मानी जाती है, लेकिन अभी तक इनमें से किसी भी कलाकार ने फिल्म में काम करने के लिए अपनी कोई कंफर्मेशन नहीं दी है, जिसे देखकर लगता है कि अभी हम सभी को इस फिल्म के लिए काफी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। पर जब से दर्शकों को इस फिल्म के बारे में पता चला है, तभी से दर्शकों के बीच इस फिल्म को लेकर काफी क्रेज देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं फिल्म कुछ कुछ होता है के पार्ट 2 में एक बार फिर से शाहरुख और काजोल की जबरदस्त केमिस्ट्री को देखने के लिए? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी और भी ऐसी ही धमाकेदार खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।